नमस्कार, जन टीवी बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोजपा करेगी कांग्रेस के साथ गठबंधन का इंतजार, 31 तक दिया गया है समय। नीतीश के न्योते को दिया मित्रता का नाम। जन टीवी से खास बात में बोले रामविलास। नीतीश कुमार ने कांग्रेस से गठबंधन को सिरे से किया खारिज, लोजपा को बताया कांग्रेस से बेहतर। झारखंड में जेवीएम से गठबंधन के दिए संकेत। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासत हुई तेज, भाजपा आजसू आ सकते हैं साथ। झारखंड विकास मोर्चा ने चुनाव से बनाई दूरी। बालूघाटों के विवादों के उलझने से मजदूरों की आई शामत, भूखों मरने के कगार पर पहुंचे कामगार, पलायन को हो गए हैं विवश। और आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन का 2 दिवसीय दौरा, आज करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात, कल जाएंगे जहानाबाद। रुक करते अगली खबर का। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान गठबंधन को लेकर 31 जनवरी तक कांग्रेस के रुख का इंतजार करेंगे। जन टीवी से खास मुलाकात में रामविलास ने कहा कि नीतीश का न्योता मित्रता के तहत है और इसके लिए हम नीतीश का धन्यवाद अर्पित करते हैं। बिहार की पूरी राजनीतिक सियासत गठबंधन की धुरी पर है। अब गठबंधन कहाँ हो इस चीज को लेकर के कई न्योते भी हैं और कई विभेद भी। हमारे साथ लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान हैं, उनसे बात करेंगे कि नीतीश के न्योते पर विचार क्या करेंगे और कांग्रेस जिन चीजों में उलझी पड़ी हुई है उसके साथ जाने की वजह क्या होगी। रामविलास जी, नीतीश जी ने आपको न्योता दिया, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग पुराने मित्र हैं, सब लोग जितने भी पुराने साथी हैं, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, मोदी जी हैं, सब लोग हम लोग इमरजेंसी के जमाने से साथ में रहे हैं। तो सवाल ये कि अलग अलग पार्टी में भी हैं लेकिन हम लोगों का जो आपसी संबंध है वो कायम है और हमने तो कभी कभी किसी को भी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हमने कभी कुछ नहीं किया। अलग पार्टी में है तो स्वाभाविक है कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। अमिला जी, समाजवाद की जो अवधारणा थी जिस तरह उन्होंने राजनीति शुरू की और महंगाई के जिस विभेद को लेकर के नीतीश आज लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे जिसे साथ के दर्जे की बात हो या आप लोगों की बुनियादी समस्या जिसको लेकर के आपने राजनीति को जिस फलक तक पहुंचाया, बिहार की आवाज को उठाया, आज उसी को कांग्रेस की राजनीति के विभेद से अलग कर आपको अपने साथ बुला रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, हमने कह दिया कि आज से 1 महीना पहले हमारी पार्टी की मीटिंग हुई थी। हमारी पार्टी में भी 2 तरह के विचारधारा के लोग थे। कुछ लोगों का था कि आरजेडी के साथ जाना चाहिए, कुछ लोगों का था कि जनता दलियों के साथ में जाना चाहिए, लेकिन सब लोगों की एक राय थी कि कांग्रेस को साथ में लेकर चलना चाहिए। इसलिए पार्टी ने फैसला लिया था कि भाई कांग्रेस को पर हम लोग छोड़ दें, कांग्रेस जहां जाएगी हम उनके साथ में चलेंगे। कांग्रेस कह रही हम सभी सीटों की तैयारी कर रहे हैं। अब वो कांग्रेस क्या करती है, अभी उनका रिपोर्ट तो फाइनल हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा था 400 सीट पे तैयारी करने का निर्देश। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उनका राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी क्या हासिल होती है उस पर क्या? नीतीश जी के न्योते पर क्या कहेंगे? नहीं, हमने कहा ना कि हमारा व्यक्तिगत क्या कहते हैं संबंध है, अच्छा है, लेकिन जो पार्टी ने फैसला लिया है वो पार्टी का जो फैसला है वो अपनी जगह पर कायम। जो डेडलाइन आपने कांग्रेस को दिया है, अगर वहां तक कुछ नहीं आता है तो उसके बाद हमने जो कहा कांग्रेस को कि 30 तारीख तक 31 तारीख के इस महीने तक के अंदर में फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि हर कैंडिडेट को चुनाव कैंडिडेट का चुनाव होगा, हर क्षेत्र में वोट जाएंगे, कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, काम करना होगा। फरवरी के अंत तक में या मार्च में जो है डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो हर पार्टी के, हम ही नहीं, हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि ये जो है एक कोई निर्णय हो जाए जिससे कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं। रामविलास जी, अगर कांग्रेस से गठबंधन की बात होती है या जदयू किसी दूसरी पार्टी से, लोजपा का इस टाइम क्या होगा, कितनी सीटों पर आएंगे? वो सब कुछ है, इस पार्टी से भी लोग का पेट करके बातचीत करेंगे। अभी सीटों को लेकर किस तरह गठबंधन जरूरी है, इसका मजमून भी है और सियासत की जरूरत भी। अब 31 तक कांग्रेस का इंतजार और उसके बाद बिहार में अपने गठबंधन का प्रारूप, कुल मिलाकर के राजनीति का ये चेहरा फरवरी के महीने के पहले तारीख को ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ भूपेंद्र दुबे, जन टीवी, पटना।